हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन साइंस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोटीन। आप सभी को पता होगा, जब भी हम खाद्य सामग्री की बात करते हैं या पोषण विज्ञान की बात करते हैं या हेल्थ साइंस की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या आ जाता है कि प्रोटीन के बारे में हमें जानना है। प्रोटीन एग्जाम में बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोटीन किस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन हम देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी में किस चीज का निर्माण करता है, क्या कौन से आवश्यक प्रोटीन होते हैं और कौन सा अमीनो अम्ल के बारे में बात करेंगे जो कि प्रोटीन के लिए एक आवश्यक तत्व है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था ना अभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसका सबसे बेसिक फॉर्मूला हमने देखा था कि ग्लूकोज से मिलकर बनता है, या फिर जो इसका बेसिक या फंडामेंटल जो चीजें थी वो क्या था, ग्लूकोज था। वैसे ही हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अमीनो अम्ल। बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो अमीनो अम्ल होते हैं उससे मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन हमारे बॉडी में किस तरीके से काम करता है, इन सभी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से 25 क्वेश्चन को, जैसे कि हम डेली डिस्कस करते हैं 25 क्वेश्चन, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे 25 क्वेश्चन आपके सामने ले आए, अदरवाइज अगर कुछ रेस्ट होता है तो उसको कल हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, शरीर के कोशिकाओं के टूट फूट के उपरांत उसके मरम्मत हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है। ठीक है, आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी द एसेंशियल एलिमेंट फॉर इट्स रिपेयर इट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। ठीक है, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीडली आज चलेंगे क्योंकि बहुत कुछ हमें यहाँ पर सीखना भी है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर आने लगा है, प्रोटीन इसका सबसे इंपॉर्टेंट तत्व हो जाता है, एलिमेंट्स हो जाता है। अब फ्रेंड्स प्रोटीन की हम बात कर लेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। प्रोटीन कुछ कुछ पॉइंट्स को हम समझते हुए चलेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे कि हम लोग हमेशा समझते हैं। तो प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन आपको पता है कि हमारे जो शरीर का निर्माण होता है, जिन सेल्स से हमारी पूरी बॉडी बनती है, सेल्स और टिश्यूज से, यानी कि कोशिकाएं और टिश्यूज यानी कि ऊतक से हमारे पूरे बॉडी का निर्माण होता है। अब ये जो कोशिकाएं होती हैं, तो प्रोटीन का काम कोशिकाओं के निर्माण में होता है, शरीर के टूट फूट के मरम्मत में होता है। राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा स्पीडली लिखने की हम कोशिश करें ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कोशिकाओं के निर्माण में, शरीर के टूट फूट के मरम्मत में इसका निर्माण होता है, यानी प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होता है, आप ऐसे कह सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यानी आपके रक्त हो गए, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि, जितने भी बाल नाखून हमारे जो शरीर में बाल हो गए, पूछा जाता है कि बाल और नाखून किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं। अब उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोटीन हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोशिकाएं, आप समझ लो कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन से होता है। तो अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं होगी, समझना बात को, कि प्रोटीन अगर नहीं होगी तो हमारी कोशिकाएं नहीं बनेंगी, हमारे बॉडी में कोई टूट फूट होगा तो उसका मरम्मत नहीं होगा। मतलब क्या हो गया कि ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, जैसे एक न्यू होता है ना घर बनाने में, वैसे ही शरीर के निर्माण में, या कह सकते हो कि जो जीवित जीव होते हैं, इनके लिए आवश्यक जो होता है, आवश्यक होता है क्या, प्रोटीन आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि जीवित जीव के लिए आवश्यक है कि वो नहीं रहेगा, प्रोटीन नहीं रहेगा, तो जो एनिमल्स है, जो मनुष्य है, जो भी जीवधारी है, उनके बॉडी में जो भी टिश्यूज हैं, जो भी ऊतक हैं और कोशिकाएं हैं, उनका निर्माण नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, प्रोटीन इसका सही जवाब होगा, प्रोटीन शब्द का निर्माण किस भाषा में हुआ है। फ्रेंड जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पर जो भी डिस्कशन करेंगे वो आपके यहाँ पर 10% प्रीवियस ईयर हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो मतलब 5 या 10% प्रीवियस ईयर, देन आपका 40-60% एनसीआरटी, 10-20% आपका यूपी बोर्ड और स्टैंडर्ड बुक, बाकी जो है वो आपके स्टैंडर्ड बुक्स जो होते हैं उससे बने हुए क्वेश्चन है।
तो इसका पूरा एक आपका मिक्सअप समरूप है जिसमें आप बेसिक से लेके पूरा बुक को आप क्वेश्चन के थ्रू पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या पूछ रहे हो अखिलेश कुमार जी? मैम होम साइंस टीजीटी में बॉय फॉर्म भरते हैं? बॉय फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने होम साइंस पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो आप अगर बॉय हैं और होम साइंस पढ़े हैं और आपका बीएड है तो आप ऑब्वियसली बातें भर सकते हो। अदरवाइज गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स बॉयज में भर सकती हैं लेकिन बॉयज गर्ल्स वाले में नहीं भर सकते, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रोटीन शब्द का निर्माण किस भाषा में हुआ है? ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच भाषा में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर दीजिए क्वेश्चन के थ्रू, यानी कि आपको ना क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर मेंशन करना है। वन का क्या होगा, टू का क्या होगा, ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि ये जो प्रोटीन शब्द है, प्रोटीन शब्द है ये किसका है? ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब आपसे पूछ देगा कि ग्रीक भाषा में किस शब्द से लिया गया है, तो आप बोलोगे प्रोटियास, प्रोटियास नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, शब्द से प्रोटीन की उत्पत्ति, प्रोटीन की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, प्रोटीन की उत्पत्ति कहां से, हम लोग बेसिक का एकदम डिस्कस करें, नंबर वन पैराग्राफ वन आप कह सकते हो किसी किताब को, तो वहां से डिस्कस करें। अब इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि प्रथम आहार से ग्रहण करने वाला, या फिर आहारों में प्रथम, आहार में प्रथम, ये क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है। तीन चार चीजें आपको याद हो गया, ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो प्रोटियास नामक शब्द से लिया गया है, और ये प्रोटीन की उत्पत्ति हुई है प्रोटियास से, जो कि प्रोटियास क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, आहार में प्रथम, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि आहार अगर आप ग्रहण करते हो तो प्रोटीन उसका एक बेसिक एलिमेंट्स हो जाता है, क्योंकि उसी से हमारी बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी इन द सेंस कि हमारे छोटे छोटे जो ऊतक होते हैं, जो हमारे टिश्यूज होते हैं, उन सभी का निर्माण होता है। ठीक है, वन का, हाँ जी ए राइट आंसर आ रहा है, कोशिश करिए आंसर्स को जल्दी दीजिए, जितना जल्दी देंगे आपका फास्ट वैसे उतना ही अच्छा प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रोटीन की खोज सर्वप्रथम 1838 में किस रसायन शास्त्री द्वारा किया गया था? पूछ देता है कि भौतिक शास्त्र द्वारा, रसायन शास्त्र द्वारा, जीव शास्त्री द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ये भी याद रखना है कि इसकी जो उत्पत्ति है, दो तीन चीजें तो आपको क्वेश्चन में मिल गया कि प्रोटीन की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी, पहला क्वेश्चन बन जाएगा 1838 में की गई थी। दूसरा क्वेश्चन किसके द्वारा किया गया था, तो कोई रसायन शास्त्री थे उनके द्वारा किया गया था, और तीसरा का नाम आपको बताना होगा कि उनका नाम क्या था। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे इसका कोई इश्यूज नहीं है कि बॉयज में भरते हो तो कंपटीशन कम होता है, ज्यादा होता है, सीट कम है दोनों में, तो कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है दोनों में ज्यादा होगा। आपकी तैयारी कितनी बेहतर है ये डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन, बाकी चीजें कुछ नहीं कहा जा सकता, दोनों में टफ है। मुडलर द्वारा इसका क्या हुआ, मुडलर इनका नाम है जिन्होंने प्रोटीन की खोज की थी, मुडलर आपको याद रखना है, मुडलर ने 1838 में किसकी खोज की थी, प्रोटीन की खोज की थी, और ये क्या थे, एक रसायन शास्त्री थे ये, यहाँ पर ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हाँ इन्होंने बताया क्या था, हाँ इन्होंने जो बताया था, मुडलर ने जो बताया था, इन्होंने कहा था कि जो हमारे बॉडी होती है ना, कोशिका होती है, कोशिकाएं हमारी प्रोटीन से बनी हुई होती है, यानी कि हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, जो छोटी यूनिट्स होती हैं बॉडी की, वो किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। तो इन्होंने यही चीज बताया था कि कोशिकाएं प्रोटीन के द्वारा बनी होती हैं, प्रोटीन से निर्मित होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फंक का आपको पता है, फंक ने किसकी खोज की थी, विटामिन की खोज की थी, एल्मर बी इन्होंने खोज किया था, किसका, एल्मर बी ने शायद विटामिन ए की खोज की थी, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इन्होंने विटामिन की खोज की थी, विटामिन की, और इन्होंने विटामिन ए की खोज की थी,
सीडब्ल्यू सीले की बात करेंगे तो इन्होंने वसा की खोज की थी अधिक, ठीक है, और मुडलर ने किसकी खोज की थी, इन्होंने प्रोटीन की खोज की थी, ठीक है, प्रोटीन की खोज की थी। तो ये सारे कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जिसे आप रिवाइज करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मात्रा के आधार पर शरीर के शरीर में प्रथम स्थान पर इनमें से कौन शामिल है, मात्रा के आधार पर पूछा जा रहा है क्वांटिटी कितनी होगी, किसकी कितनी होगी। विच ऑफ दिस द इंक्लूड इन द फर्स्ट प्लेस इन द बॉडी ऑफ द बेसिस ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण। प्रोटीन होगा, फैट होगा, वाटर होगा या मिनरल सॉल्ट होगा। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या होगा, मात्रा के आधार पर शरीर में प्रथम की बात की जा रही है, आपको ध्यान रखना है, द्वितीय की बात नहीं की जा रही है। तो प्रथम क्या है, बॉडी में हमारे सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, इनमें से अगर बात की जाए सर्वाधिक मात्रा जल की होती है। सेकेंड हाईएस्ट की बात करेंगे तो किसकी होगी, प्रोटीन की होगी। आपको याद रखना है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा जल का होता है। सेकेंड हाईएस्ट क्वांटिटी की बात की जाती है, प्रोटीन नहीं होगा। मधु जी फोर का सी आंसर होगा यहाँ पर, वाटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जल की ज्यादा मात्रा होती है। क्लियर हो रहा है? हाँ, अब एक चीज और याद रखना है कि जो हमारी मांसपेशियां होती है ना, मांसपेशीय जो तंतु होती है, जो यूनिट्स होती है मांसपेशीय, वो किससे बनी होती है, उसमें जो मुख्य भाग होता है वो प्रोटीन होता है। वो अलग बात है कि कार्बोज हो गया और वसा हो गया हमारे शरीर के संचालन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन जो हमारी बॉडी का निर्माण होता है, मसल्स का जो निर्माण होता है, यूनिट्स जिससे बनती है, जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है, वो किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। तो फैट का इंपॉर्टेंट रोल किसमें होता है, ऊर्जा में होता है। यहीं पर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों आपको पता है एनर्जी के लिए काम करता है, प्रोटीन भी एनर्जी के लिए काम करता है, लेकिन मांसपेशियों का निर्माण और उसकी मरम्मत करने में भी इसका काम होता है प्रोटीन का। तो सर्वाधिक मात्रा जल का है, सेकेंड हाइएस्ट मात्रा जो है वो प्रोटीन का है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो रहे हैं? हाँ, अगर ये कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जो एंटीबॉडीज होते हैं ना, जैसे आप कोई डोज लेते हो तो उसका एंटीबॉडीज लेते हो ना, जैसे कोई अभी वायरस चल रहा था तो वायरस का एंटीडोज बनाया जाता है, तो जितने भी मैक्सिमम जो एंटीडोज बनाए जाते हैं, जो मैक्सिमम हार्मोन्स होते हैं, जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन उसको बोलते हैं, और एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, मैक्सिमम आपकी बात कर ले यहाँ पे, तो ये ज्यादातर प्रोटीन से इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स भी आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रासायनिक संरचना के आधार पर इनमें से कौन सा तत्व प्रोटीन में शामिल है। अगर सिंपल बात करें तो प्रोटीन का संरचना यहाँ पर पूछा गया है कि प्रोटीन के संरचना में कौन कौन सा एलिमेंट्स, कौन कौन सा तत्व इसमें शामिल होता है। आंसर दीजिए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और पोटेशियम शामिल है, या फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, दूसरा क्या है आपका यहाँ पर, ठीक है, दूसरे की बात करते हैं तो उस बी ऑप्शन कह रहा है कि ऑक्सीजन शामिल है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पोटेशियम। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और पोटेशियम, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और पोटेशियम। आंसर दीजिए, कौन सा शामिल होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर क्या होगा, फाइव का राइट आंसर बताना है आपको। आंसर दीजिए सब जल्दी से। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए, फाइव का डी आंसर आ रहा है, मधु बिल्कुल सही आंसर है आपका, डी आंसर है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो CO2 आपको दिख रहा है ना, CO2 हो गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये शामिल नहीं है। तो जैसे कभी भी ना ऑप्शंस आपको इस तरीके से दिखे तो आपको एलिमिनेशन के तहत आपको राइट आंसर तक जाना है। अच्छा, यहाँ पर एक दो चीजें और हम सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि हमारे जो कुल शरीर का, जो हमारे पूरा शरीर है, उसके जो वन सेकेंड भाग आप कह सकते हो, 1/2 भाग, यानी हमारे ड्राई बॉडी की बात कर रहे हैं, यानी ड्राई बॉडी वेट की बात करेंगे हम यहाँ पर, कि शुष्क शरीर का भार, शुष्क शरीर भार
जितनी होती है उसका शुष्क शरीर भार का 1/2% भाग किसके द्वारा निर्मित होता है? प्रोटीन के द्वारा निर्मित होता है। शुष्क शरीर भार की बात की जा रही है, यहाँ पे लिक्विड पार्ट्स को ऐड नहीं किया गया। और अगर हम कुल शरीर के भार की बात करेंगे, कुल शरीर भार की बात करेंगे, तो कुल शरीर भार का जो प्रोटीन का निर्माण होता है, कुल शरीर भार का 1/3 भाग जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन मांसपेशियों में इसका निर्माण होता है, 1/3 की बात करेंगे। और यहाँ पर 1/5 जो भाग होता है, जो 1/5 की बात करेंगे वो अस्थियों में, और 1/10 का भाग कहेंगे वो कहाँ पे होता है? वो त्वचा में हमारे पाया जाता है। प्रोटीन की बात हम कर रहे हैं कि प्रोटीन कहाँ कहाँ पर कितना पाया जाता है। आपसे पूछ देगा कि हमारे मांसपेशियों में प्रोटीन का निर्माण कितने परसेंट होता है, तो आप बोलोगे 1/3 मांसपेशियों में होता है। पूछ देगा अस्थियों यानी कि बोन्स में हमारे प्रोटीन कितनी मात्रा में रहती है, तो आप बोलोगे 1/5 मात्रा में, 1/5 भाग होता है जो बोन्स में होती है। और तीसरी भाग बोल देगा कि हमारी त्वचा में कितनी होती है, तो 1/10 भाग जो होता है वो हमारे त्वचा यानी स्किन में मौजूद होता है प्रोटीन। अन्य की बात करेंगे, जो रेस्ट अमाउंट है वो हमारे बाल हो गए, नाखून हो गए, बहुत सारे हार्मोन्स हो गए, उन सभी में बाकी चीजें, बाकी थोड़े थोड़े मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर हो गया? कुछ चीजें और यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमने आंसर बता दिया कि ये इसका राइट आंसर है। तो कार्बन की मात्रा प्रोटीन में कितनी होती है, तो आप बताओगे कार्बन की मात्रा 50% होती है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन कितना होता है, तो आप बोलोगे 32 होता है। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करेंगे 16 होता है, हाइड्रोजन 7 होता है, सल्फर का मात्रा 3 होता है, पोटेशियम की मात्रा भी 3 होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट भी जरूरी है। पूछ देगा कि प्रोटीन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, सिंपल तो वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कुल शरीर भार का मधु जी 1/3 होता है। अगर पूछा जाए कि ड्राई बॉडी वेट का भाग का कितना परसेंट प्रोटीन होता है, तो आप बोलोगे 1/2, 1/2 भाग जो होता है ड्राई बॉडी वेट की बात करेंगे, और वैसे कुल शरीर भाग की बात करेंगे तो 1/3 होता है। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर हो रहा है सारी चीजें। नेक्स्ट आते हैं, प्रोटीन का सबसे सरलतम यूनिट क्या है? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। रिविजन करते चलेंगे, बाकी जो भी पढ़ते रहेंगे वैसे ही क्या है, उसी से कंपेयर कर सकते हो। उसी प्रकार प्रोटीन का जो सबसे सरलतम यूनिट होता है वो क्या होता है? अमीनो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बोक्लिसिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? एक बार आप फिर से सुन लीजिए, मानव का जो शुष्क है ना, आप लोग बार बार उसको भेज रहे हो 1/3 मांसपेशियों में, तो ड्राई बॉडी वेट का 1/2 आपको याद रखना, 1/2 भाग होता है प्रोटीन। और पूरे शरीर की बात की जाए, पूरे शरीर का यानी कुल शरीर के भार का 1/3 हमारा मांसपेशियों में होता है, और उसके बाद अस्थियों में 1/5 होता है, 1/5 भाग होता है, और उसके बाद 1/10 कितना होता है, 1/10 हमारे त्वचा में प्रोटीन पाया जाता है, इसकी बात की जा रही है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अमीनो अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। अब एक चीज आपको याद रखना कि जब प्रोटीन, जब जल में अपघटन होता है प्रोटीन का, तो जल में अपघटन के बाद, टूटने के बाद जो सबसे सरलतम यूनिट है, जैसे वहां पर जो स्टार्च है वो टूटने के बाद किस में परिवर्तित हो रहा था, वहां पर ग्लूकोज में हो रहा था, वैसे ही यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन जब जल में अपघटित होता है तो वो सबसे अपने सरलतम बिंदु, सरलतम फॉर्म और कहाँ पर आ जाता है, तो ये इसका निर्माण कहाँ पर हो जाता है, बिल्कुल ये अमीनो अम्ल में टूट जाता है। पूछा जाता है कि किस में टूटता है प्रोटीन, तो आप बोलोगे जो सबसे सरलतम इसकी सूक्ष्मतम इकाई होती है वो अमीनो अम्ल होती है। आपसे पूछा जाएगा कि अमीनो अम्ल क्षारीय होता है या फिर अम्लीय होता है, तो आप बोलोगे कुछ अमीनो अम्ल क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, कुछ अमीनो अम्ल क्षारीय होते हैं, कुछ अमीनो अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद रहित होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं। नमकीन का मतलब वही हो गया, क्षारीय हो गया, जिसका पीएच 1 यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है उसका जो वैल्यूज होता है 7 से ज्यादा होगा, यानी कि अगर 7 है तो आपका जो अमीनो अम्ल क्या होगा वो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा। अब 7 से ज्यादा होते जाएगा तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, क्षारीय में हो जाएगा, और 7 से यहाँ पर कम होगा तो इसमें क्या हो गया, अम्लीय में होते जाएगा, अम्लीय में परिवर्तित होते जाएगा।
तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की मात्रा को हम लोग पीएच मान बोलते हैं, पीएच का फुल फॉर्म हो जाता है। तो ये भी थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको समझते हुए चलना है। सबसे सरलतम इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। आपको समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को? कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर कुछ चीजें ना समझ में आए तो आप मैसेज कर सकते हो, उसको मैं रिप्लाई कर दूंगी जब देखूंगी तब आपसे, ठीक है? अदरवाइज अगर आज नहीं होता है तो मैं कल भी कोशिश करूंगी कि कल आपको रिप्लाई दे दूं। आंसर देते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इनमें से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सभी अमीनो अम्ल एक जैसे नहीं होते हैं, राइट है या रॉन्ग है? नॉट ऑल अमीनो एसिड्स आर द सेम। इनमें भिन्नता का मुख्य कारण आर समूह की प्रवृत्ति होती है, ये सही है या गलत है? द मेन रीजन फॉर द डिफरेंसेस इज दिस द टेंडेंसी ऑफ द आर ग्रुप। जो इसकी भिन्नता होती है ना, टेंडेंसी होती है, उसकी मुख्य रीजन क्या होता है? आर ग्रुप्स होते हैं। ये दोनों ही कथन सही है या गलत है? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सभी अमीनो अम्ल एक जैसे नहीं होते। सही बात है, कुछ अभी हमने बताया ना, कुछ क्षारीय होते हैं, कुछ अम्लीय होते हैं, कुछ उदासीन भी होते हैं, और इनमें भिन्नता का जो मुख्य कारण होता है, ये भी सही है कि ये आर समूह ही होता है। यानी दोनों ही कथन सही है, ए और आर बोथ आर करेक्ट। दोनों ही कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? अब देखो अमीनो अम्ल को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे, जो जो चीजें आती रहेंगी उसको हम लोग थोड़ा सा समझते चलेंगे, ठीक है? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल की बात करेंगे। अमीनो अम्ल दो टाइप से आपको मिल सकता है, कौन कौन से? एक तो अमीनो समूह होता है, अमीनो समूह, जिसे हम इंडिकेट करते हैं माइनस एन एच टू से, माइनस एन एच टू से इसको संबंधित करते हैं। एन एच टू, टू बहुत गंदा लिखा गया, इसको मैं फिर से कर दे रही हूं। एन एच टू इसको इंडिकेट करते हैं अमीनो समूह जो होते हैं उनको। और दूसरा होता है कार्बोक्लेसिक समूह, कार्बोक्लेसिक समूह, ठीक है? पहला क्या हो गया? अमीनो समूह, और दूसरा क्या हो गया? कार्बोक्लेसिक समूह। इसको इंडिकेट किससे करते हैं? माइनस COOH से इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है? ये जो समूह होता है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये चीज समझ लेना। ये वाला जो अमीनो समूह होता है ना, NH2, पूछ देगा कि माइनस NH2 जो होता है वो किस प्रकार का होता है? क्षारीय होता है, यानी इस टाइप के जो प्रोटीन होंगे वो क्षारीय होंगे इस अमीनो अम्ल, क्योंकि आपको पता है ना कि बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन कोई जरूरी नहीं कि एक जैसा ही हो, आपसे पूछा जाएगा, और यही अमीनो अम्ल डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोटीन उच्च कोटि का होगा, कौन से प्रोटीन निम्न कोटि का होगा। तो आपसे पूछा जाए कि अमीन जो प्रोटीन की गुणवत्ता है उसका अच्छा या खराब होना किस पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे अमीनो अम्ल पे डिपेंड करता है। अभी हम लोग देखेंगे कि अमीनो अम्ल में कौन कौन से अमीनो अम्ल बहुत अच्छे कैटेगरी के होते हैं, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होती है। कुछ ऐसे समूह होते हैं जिसपे चूहा पे प्रयोग किया गया, अभी हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो उसमें पाया गया कि अब इसमें क्या है, ये अमीनो अम्ल हमारे वृद्धि को रोक दे रहा है। तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम देखते रहेंगे, ठीक है? तो पहला वाला जो है बच्चों, ये क्या होता है? ये क्षारीय समूह का होता है, क्षारीय होता है, और कार्बोक्लेसिक समूह जो होता है ये अम्लीय होता है। दोनों का बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जब भी आपसे माइनस COOH की बात करेगा तो आप बोलोगे ये अम्लीय गुण प्रदान करता है, किसको? प्रोटीन को। और इस टाइप के जो भी अमीनो अम्ल होंगे वो प्रोटीन को क्या करेंगे? क्षारीय गुणवत्ता से परिपूर्ण कर देंगे। दोनों चीजें क्लियर होती हैं। अब एक चीज और याद रखना है कि इन दोनों, क्योंकि एक मिल रहा है क्या अमीनो अम्ल, एक क्षारीय मिल रहा है, दूसरा वाला क्या मिल रहा है उदास, दूसरा वाला क्या मिल रहा है? अम्लीय मिल रहा है। तो जब बच्चों दोनों ही गुण प्रोटीन, जब दोनों ही गुण एक साथ होंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा ना। जब एक तरफ खारा पानी रख दो, दूसरा उतना ही पानी क्या रख दो? अम्लीय मीठा पानी रख दो। तो जो बीच का वाटर होगा, यानी जो वाटर बनेगा वो तो उदासीन बनेगा ना, दोनों का मिक्सअप हो जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है कि दोनों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, अमीनो अम्ल की जो प्रकृति होती है, यहां पर मैं मेंशन कर दूंगी कि दोनों की उपस्थिति के कारण क्या मिलेगी, उपस्थिति के कारण
अमीनो अम्ल प्रकृति में, नेचर की बात करेंगे, प्रकृति में उदासीन होता है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्लियर हो रहा है दोनों के? इसमें रहेगा क्या चीज लिख रहे हो? ठीक है, आप लोग फॉर्म ही भरने की बात करते रहो ना, ठीक है। हाँ, अब एक चीज और याद रखना, हमने देख लिया अमीनो अम्ल क्या है, क्षारीय है, और यहां पर क्या है, अम्लीय है, और दोनों का जो मिक्सचर है, दोनों की उपस्थिति में क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। अब दोनों को बांधने के लिए एक बंध होता है, बंध को क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिंकेज बोल सकते हो, लिंकेज, लिंकेज बोल सकते हो। अब लिंकेज जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, इसको पेप्टाइन बंध बोलते हैं, पेप्टाइन, पेप्टाइन, पेप्टाइन लिंकेज बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसी पेप्टाइन बंध के द्वारा ये दोनों अम्लीय और क्षारीय जो बॉन्ड होते हैं ना, वो एक दूसरे से बंधे होते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इसका दोनों ही बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20, 10, 15, 25। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10। क्लियर है? बी आंसर आ रहा है, बी, सभी का आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल सभी को पता हो गया कि यहाँ पर बी आंसर इसका क्लियर हो जाएगा, यानी कि 10 इसका राइट हो जाएगा। आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। अच्छा एक चीज बताओ कि जो हमारे भोज्य पदार्थ है ना, भोज्य पदार्थ मतलब खाना, जो हमारे भोजन है उसमें अमीनो अम्ल की संख्या पाई गई, तो अब तक जो ज्ञात अमीनो अम्ल है हमारे भोज्य पदार्थ में, उसकी संख्या कितनी पाई गई है? अमीनो अम्ल अभी तक जो हमारे भोज्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में ज्ञात हुआ है, ज्ञात हुआ है, उसकी संख्या, उसकी संख्या कितनी है? टोटल 22 है। 22 अमीनो अम्ल के बारे में हमें नॉलेज है जो कि हम अपने भोज्य पदार्थों में ग्रहण करते हैं। अब इन 22 में से क्या हो जाते हैं, 10 जो होते हैं वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, आवश्यक होते हैं, और कुछ अमीनो अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं। आवश्यक और अनावश्यक में बेसिक डिफरेंस ये है कि आवश्यक है, जरूरी है, तो आपको क्या होगा, लेना पड़ेगा, यानी कि उसको भोज्य पदार्थों में शामिल करना पड़ेगा। अनावश्यक का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर वो खुद ब खुद एक दूसरे अमीनो अम्ल से नया अमीनो अम्ल क्रिएट हो जाता है, यानी स्वतः बनता है। ये भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है वो स्वतः निर्माण की प्रक्रिया किस कंडीशन में, किस गैसेस के अवस्था उपस्थिति में करता है, तो आप बताओगे कि जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है ये हमारे शरीर में नाइट्रोजन के उपस्थिति में क्या होता है, अनावश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर आपको याद रखना है। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है, अभी हम क्वेश्चन के थ्रू इस 10 आवश्यक और कुछ अनावश्यक को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। 20, 22 होता है, दीपशिखा राजन, 22 इसका राइट आंसर, 20 नहीं होता है बच्चों, 20 किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा, 22 का ज्ञात हुआ है, जिसमें से 10 आपको याद रखना है आवश्यक होता है, आवश्यक ही अभी तक पूछा गया है एग्जाम में। क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है? अब यहीं पर आपको ये जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से डाल रखा है ताकि आपको एक जगह सारी चीजें अमीनो अम्ल पता चल जाए, मिल जाए, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का सही जवाब आपको बताना है।
हिस्टिडिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, या बी है लाइसीन, आर्जिनिन, मिथोनिन, या तीसरा है थ्रियोनिन, वैलिन, फिनाइल एलानिन, और चौथा है ट्रिप्टोफैन, टेरालेन, लियोथिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, लेट हो गया तो अभी बाद में भी आप जो भी आपका रह गया है वो बाद में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपको बताना होगा इसमें से कौन सा आवश्यक अम्ल शामिल नहीं है। आप देख रहे हो तीन तीन का ग्रुप मैंने बताया है, क्यों? क्योंकि आपको 10 आवश्यक अमीनो अम्ल याद रखना है। ट्रेन का क्या हो गया? पहला हिस्टिडिन, दूसरा क्या हो गया? ल्यूसीन। ये सब आवश्यक अमीनो अम्ल है और इसमें क्या पूछा है, कौन सा नहीं है। तीसरा हो जाएगा आइसो ल्यूसीन, तीसरा हो गया, चौथा हो गया लाइसिन, पांचवा होगा आर्जिनिन, उसके बाद छठा होगा आपका मियोनिन, मिथोनिन, सातवां हो जाएगा थियोनिन, आठवां वैलिन, और नाइन हो जाएगा फिनाइल, फिनाइल एनालिन, और दसवां हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। और इसमें क्या पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो क्योंकि ये दो इसमें शामिल नहीं है इसलिए आप क्या आंसर करोगे, टिक, टेरालिन और थियोलिन। आपको पता है टेरालिन आपने टेक्सटाइल में पढ़ा है, तो लीन लीन के वजह से कुछ शब्द आपके ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं जो कि आपको पता होता है लेकिन ये नहीं पता होता कि ये पढ़ा कहाँ पे है। जैसे कि ये आ गया टेरालिन, टेरालिन आपने पढ़ा है ना टेक्सटाइल में, तो ये शब्द से भी आप अगर सिर्फ इसको भी पकड़ लेते तो भी आप सही आंसर तक जा सकते थे, ठीक है। एक चीज यहाँ पर और आपको याद रखना है, आपने 10 अमीनो अम्ल जो आवश्यक अमीनो अम्ल है उसके बारे में समझ लिया। अब एक ट्रिप्टोफैन के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो ट्रिप्टोफैन है ये सबसे महत्वपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है, यानी कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक अमीनो अम्ल है, आवश्यक अमीनो अम्ल है, ठीक है। कौन सा? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है? जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक अमीनो अम्ल के रूप में इसके इसे हम क्या करते हैं, जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के माध्यम से और इसको समझेंगे। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है, ट्रिप्टोफैन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ट्रिप्टोफैन क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो इसकी सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे पाई जाती है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैम टाइमिंग आज 2 PM दिखा रहा है लाइव क्लास का, नहीं जी 2 बजे नहीं होगा, डेली 8 बजे से होती है, आप लोग परेशान ना हो, 8 बजे आज थोड़ा पहले मैं ऑफ करूंगी, 10-15 मिनट पहले, ठीक है। और उसके बाद भी उसमें भी आप लोग बने रहिएगा क्योंकि अभी NVS का वैकेंसी आ गया तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, नवोदय विद्यालय के बारे में, ठीक है। तो अभी आप लोग बने रहिएगा, उसके बारे में अभी देखते हैं, इसके बाद उसी पे लाइव आते हैं फिर बात करते हैं आपसे। ट्रिप्टोफैन की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? वानस्पतिक जगत के खाद्य पदार्थों में, प्राणी जगत के खाद्य पदार्थों में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर प्राणी जगत के खाद्य पदार्थों में हमने क्या पढ़ा कि ट्रिप्टोफैन जो अमीनो अम्ल है और ट्रिप्टोफैन आवश्यक अमीनो अम्ल की संज्ञा में आता है, और ट्रिप्टोफैन कहाँ पर मिलता है? हमें प्राणी जगत में मिलता है। प्राणी जगत में कहाँ कहाँ मिलेगा? दूध में मिलेगा, दही में मिलेगा, पनीर में मिलेगा, है ना, दूध से बने जितने भी पदार्थ होंगे, जितने भी मिठाइयाँ होंगी उस सब में मिलेगा। अब आप बोलोगे छेना में मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा, मट्ठा, दही, छाछ, जो भी आप बोलते हो ना, इन सब में इसकी मात्रा मिलेगी। किसका? ट्रिप्टोफैन का, और ये सबसे आवश्यक अमीनो अम्ल के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11। अनावश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर में किसकी उपस्थिति से स्वतः होता रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनावश्यक अमीनो अम्ल का जो निर्माण है वो शरीर में किसकी उपस्थिति में होते रहता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको बताना है। अच्छा, आप जो 2 बजे आप बता रहे हो ना, 2 बजे स्ट्रीमिंग लग जाती है लेकिन उस पर आपको टाइम दिखाते रहता है ना कि लाइव इन 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स, ऐसे करके दिखा रहा होगा, तो आप उसको देखा करिएगा ना, लाइव स्ट्रीमिंग तो कभी भी लग जाती है।
प्रीति जी, लाइव क्लासेस सॉरी ऑफलाइन क्लासेस हमारी होती है, लखनऊ में होती है, और ऑफलाइन टीजीटी पीजीटी बैच स्टार्ट है, तो आप अगर चाहें तो कॉन्टेक्ट नंबर इसमें स्क्रॉल हो रहा होगा, आप उस पे एडमिशन के लिए कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन की उपस्थिति में हमारे शरीर में हमने बात की 22 का हमें ज्ञात हो चुका है, जिसमें से 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं, अमीनो एसिड ऐसे होते हैं, अम्ल का मतलब एसिड आप जानते ही हो, तो वो कैसे होते हैं, वो हमारे लिए आवश्यक होते हैं। आवश्यक का मतलब ये हो जाता है कि हमें उस कोई चीज जरूरी होगा तो हम क्या करेंगे, उसको लेने की कोशिश करेंगे ना, हमारे लिए ये आवश्यक है। अब ये मत समझ लेना कि कुछ गाने वाने वाला सीन है ना, तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि आवश्यक होता है मतलब क्या है, हमें उस चीज की प्राप्ति करनी होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको बाहरी खाद्य पदार्थों से उसको ग्रहण करना होगा, वो अपने आप स्वतः बनने का या निर्माण होने की क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पे पूछा है कि स्वतः होते रहता है, यानी कि अनावश्यक जो जो भी अमीनो अम्ल है वो नाइट्रोजन की उपस्थिति अगर हमारे बॉडी में नहीं होगी तो उसकी जो बनने की प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑस्बर्न एवं मेंडल ने किस जीव पर प्रोटीन से संबंधित प्रयोग किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा है कि ऑस्बर्न और मेंडल जो थे इन्होंने किस जीव पर प्रोटीन से संबंधित प्रयोग किए थे, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना होगा कि प्रोटीन हमारे क्या कर रहा है, उत्तक का निर्माण कर रहे हैं, कौन सी ऐसे जीव है जो मनुष्य से मिलता जुलता उस पर प्रयोग आए दिन किए जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में भी याद रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, सभी को राधे कृष्णा, वेरी गुड इवनिंग, राम राम, जो भी आप बोलते हो सब सेम टू यू, आप सभी को, आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से आंसर करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कबूतर, गिलहरी, चूहा, नेवला, राइट आंसर हो जाएगा चूहे। चूहे पे, रैट पे इन्होंने प्रयोग किया था, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोटीन को रैट को खिलाया, उसके शरीर पे प्रयोग किया, खिलाया भी, प्रयोग भी किया, जिससे पता चला कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स है जो कि चूहे की जो वृद्धि है अभी हम लोग पढ़ेंगे तो उसको रोक दे रहा है, वृद्धि और विकास को रोक दे रहा है, कुछ ऐसे प्रोटीन है जो उसके वृद्धि और विकास को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। जैसे कि मक्का जीन की बात करेंगे ना, मक्के में जीन नामक प्रोटीन होता है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। मक्का जो होता है ना, मक्का भुट्टा जिसको आप बोलते हो, मकई, भुट्टा, मक्का और क्या क्या नाम होता है इसका, इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन इसका नाम है जीन, जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो जब इसका प्रयोग इस पे किया गया चूहे पे, तो ये पाया गया कि ये तो बेचारा दुबला पतला हो गया और धीरे धीरे क्या हो गया, इसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो प्रयोग किया उसकी बात कर रहे हैं, हम वास्तविकता की बात नहीं कर रहे हैं कि जो जनरली माना जाता है उसकी बात नहीं कर रहे, कुछ महत्व की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने प्रयोग किया, उसकी बातें हम कर रहे हैं कि इन्होंने प्रयोग किया और पाया कि जो जिन है जो कि मक्का में पाया जाता है, इसके इसके प्रयोग के द्वारा चूहे दिन पे दिन दुबला होता गया, स्लिम हो गया, उसको लगा होगा अरे वाह मैं तो स्लिम हो गया, अब तो मस्ती है, जिम उम जाने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद उसके धीरे धीरे क्या हो गए, डेथ हो गई। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अभी आगे हम चलेंगे, तो इन्होंने, इन लोगों ने, मेंडल और ऑन्सबर्ग ने प्रोटीन के लिए चूहे पर प्रयोग किया था और बहुत सारे निष्कर्ष निकला, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक अमीनो प्रोटीन है, अब ये उन इनकी बात ही की जा रही है, मेंडल की ही बात की जा रही है कि इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे प्रोटीन जो हैं वो क्या है, हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है और कुछ हमारे शरीर में वृद्धि विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑन्सबर्ग और मेंडल ने जो चूहे पे प्रयोग किया उसमें ये पाया कि जो ग्लिडीन है, ग्लिडीन और लाइसिन, ये दोनों ऐसे प्रोटीन है जिसके वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ होता है। तो अब ऑब्वियसली बात है ना कि जब ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा जिस प्रोटीन से, उसका हम अपने खाद्य पदार्थों में शामिल करेंगे। ठीक है, इसमें ये देखा गया कि जीन और ट्रिप्टोफैन, इस प्रोटीन का प्रयोग करने से जो चूहे थे उनमें क्या हो गया, चूहों में कुछ ऐसी परेशानियां देखी गई, यानी इनका वजन क्या हुआ, वजन तो सामान्य रहा, वजन क्या हो गया, सामान्य रहा, लेकिन इसकी वृद्धि जो थी, चूहे की वृद्धि थी वो रुक गई। ठीक है, वजन इनका, वेट जो था वो नॉर्मल था, अगर चूहा 100 ग्राम का होगा तो 100 ग्राम ही था, लेकिन चूहे की जो वृद्धि होनी चाहिए, तो इन लोगों ने ऐसा पाया कि इस
दोनों प्रोटीन के वजह से, इसके वजह से तो चूहे की डेथ भी हो गई थी, लेकिन ट्रिप्टोफैन के वजह से ये क्या हो गया, ये दोनों में वृद्धि क्या हो गई, रुक गई थी। और इसी के साथ जब ये जीन और ट्रिप्टोफैन यानी ग्लिडिन लाइसिन और इसके साथ में क्या मिला दिया गया, इसके साथ में ट्रिप्टोफैन को यूज किया गया, लाइसिन दिया गया तो उसमें क्या हो गया, वृद्धि शुरू हो गई। इन्हीं दोनों के साथ अगर लाइसिन दिया गया, लाइसिन कहाँ पे है, ये वाला लाइसिन दिया गया इन्हीं दोनों के साथ, तो यहाँ पर चूहों में क्या हो गया, वृद्धि फिर से होने लगी। ठीक है, तो लाइसिन पूछ देगा कि कौन सा जो अमीनो अम्ल है, सॉरी जो कौन सा प्रोटीन है वो हमारे वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो आप बोलोगे लाइसिन। लाइसिन और ग्लियाडीन, ये दोनों वृद्धि और विकास के लिए, कैसिन और ग्लियाडीन, कैसिन है तो इसके वजह से भी चूहे की क्या थी, वृद्धि रुक गई थी। तो यहाँ पर ये सारे प्रोटीन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा कथन अमीनो अम्ल के संदर्भ में सही नहीं है? आंसर देना है आपको, कौन सा कथन अमीनो अम्ल के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कुछ कथन ऐसे होंगे, तीन कथन इसमें से अमीनो अम्ल के बारे में सही होंगे और चौथा जो कथन होगा वो सही नहीं होगा। तो अमीनो अम्ल सफेद एवं रवेदार होते हैं, राइट या रॉन्ग है? हिस्टिडीन एवं आर्जिनिन शिशु के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, राइट या रॉन्ग? अनावश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर में स्वतः होता है, सही है या गलत? अमीनो अम्ल स्वाद में केवल मीठे होते हैं, राइट या रॉन्ग? आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे वन लाइनर भी आपके बन जाएंगे, अगर इसको सॉल्व करते हो तो आप एक बेहतर तैयारी के पोजिशन पे हो, अगर आपने किया है तो। 14 का आंसर आ रहा है प्रियंका यादव ने, बिल्कुल सही जवाब दिया है। नहीं जी बिल्कुल, क्लास की टाइमिंग वाइमिंग कोई चेंज नहीं होती है, कल से बिल्कुल 8 बजे ही हमारा हमेशा क्लास होता है। देखो यहाँ पर प्रियंका ने सही जवाब दिया है कि यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, अमीनो अम्ल स्वाद में केवल, जब भी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आए और वहां पर शब्द केवल आ जाए तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा लेना कि केवल, मात्र, केवल, ऐसे वाले शब्द का जो स्टेटमेंट होता है वो रॉन्ग निकलता है, 90% चांस होता है कि ऐसे स्टेटमेंट रॉन्ग ही हो, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि अमीनो अम्ल के संदर्भ में यही जो कथन है कि अमीनो अम्ल स्वाद में केवल क्या होते हैं, केवल मीठे होते हैं। नहीं जी केवल मीठे नहीं होते, नमकीन भी होते हैं, क्षारीयता भी होती है, ठीक है, एसिडिक भी होते हैं, अल्काइन भी होते हैं, दोनों तरीके के यहाँ पे ये मिलते हैं। अमीनो अम्ल सफेद एवं रवेदार होते हैं, बिल्कुल सही, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलते हैं जो सफेद और रवेदार होते हैं। हिस्टिडीन एवं आर्जिनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में पूछा है कि शिशु के वृद्धि और विकास में कौन सा अमीनो अम्ल इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आर्जिनिन का इंपॉर्टेंट, आर्जिनिन आपसे वन लाइनर में एग्जाम DSSB में पूछा है, तो इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर में स्वतः होता है, बिल्कुल सही है कि स्वतः होता है, किसकी उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में होता है, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन की उपस्थिति में, नाइट्रोजन की उपस्थिति में यह स्वतः ही निर्माण होता है। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो कुछ चीजें और हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि अमीनो अम्ल केवल की बात कर दी गई है ना, तो केवल ये बहुत परेशान करता है, केवल वाला शब्द है ना, तो अब हम देख लेंगे कि भाई कौन सा मीठे वाले अमीनो अम्ल है, कौन सा नमकीन है और कौन सा जो है वो स्वाद रहित है, तीन के बारे में हम बात कर लेंगे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ अमीनो अम्ल की बात करेंगे, अमीनो अम्ल की बात करेंगे। देखो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स को भी यहाँ पर याद रख रहे हैं, तो यहाँ पर पहला आपको याद रखना है आर्जिनिन, आर्जिनिन जिसको हमने क्या बताया कि बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसका जो स्वाद होता है ना, स्वाद ये करेले की तरह होता है, कड़वा होता है। आर्जिनिन पहला हम बात कर लिए, आर्जिनिन स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। उसके बाद सीरिन और एलानिन की बात करेंगे, सीरिन हो गया, एलानिन हो गया, एलानिन हो गया, सीरिन, एलानिन, और तीसरा आपको याद रखना है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन,
ये स्वाद में कैसे होते हैं? तो आप बोलोगे ये स्वाद में बिल्कुल मीठे होते हैं, ठीक है। एक हमने देख लिया कड़वा होता है, दूसरा हमने देख लिया मीठा होता है। उसके बाद आपको तीसरा भी याद रखना है, तीसरा कौन सा याद रखना है, ल्यूसीन और ट्रिप्टोफैन। ल्यूसीन और दूसरा क्या है, ट्रिप्टो ट्रिप्टोफैन। ये जो दोनों होते हैं अमीनो अम्ल, ये कैसे होते हैं? तो आप बोलोगे ये स्वाद रहित होते हैं, यानी कि इनमें स्वाद रहित, इनमें कोई भी स्वाद नहीं पाया जाता, ठीक है। आपको याद रखना है अमीनो अम्ल जो अमीनो एसिड्स हैं वो कई टाइप के होते हैं, केवल मीठे नहीं होते। आर्जिनिन कैसा होता है, स्वाद में ये बहुत कड़वा लगता है करेले की तरह, लेकिन ये वृद्धि और विकास में, शिशु के वृद्धि और विकास में आवश्यक अमीनो अम्ल है। सीरीन, एलानिन और ग्लाइसिन ये कैसे होते हैं? तो आप बोलोगे ये जो अमीनो अम्ल है ये मीठे होते हैं। ल्यूसीन और ट्रिप्टोफैन जो होते हैं ये स्वाद रहित होते हैं, यानी इनमें न खट्टा न मीठा का स्वाद होता है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई स्वाद नहीं होता। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खाद्य पदार्थ और प्रोटीन का नाम यहाँ पर दिया गया है। इनमें से कौन सा मैच द फॉलोइंग है, कौन सा राइट नहीं है, कौन सा गलत है, आपको आंसर देना होगा। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, राइट या रॉन्ग? तो आप बोलोगे नहीं जी ये तो क्या है, राइट है। दूध में लैक्टो एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, राइट या रॉन्ग? तो इज ऑल्सो करेक्ट। सोयाबीन में ग्लाइसिनिन, ये आपसे पूछा गया है वन लाइनर क्वेश्चन यूपी टीजीटी एग्जाम में, तो ये भी याद रखना है कि सोयाबीन में ग्लाइसिनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल पाया जाता है। और इसमें ये वाला जो है बादाम और कोलेजन, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर भाई इसका सही जवाब क्या होगा? तो बादाम में एमिनोलेट, एलमंड में, क्योंकि एलमंड नाम है तो इसका जो प्रोटीन का नाम है एमिन लिड, इसको बोलते हैं एमिन लिड नामक प्रोटीन पाया जाता है, किसमें, बादाम में। उसके बाद आप कोलेजन की बात करोगे तो कोलेजन कहाँ पे, किसकी प्रोटीन है, तो आप बोलोगे अस्थियों की प्रोटीन है। हमारे शरीर में जो कोलेजन होता है इसमें अस्थियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ठीक है, अस्थियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, करेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैम टीजीटी फॉर्म में जिनका बीए होम साइंस से, उनको फॉर्म में इक्विवेलेंट का ऑप्शन में से कोई टिक करना है कि नहीं प्लीज बताइए। टिक करना है, जब आप टीजीटी फॉर्म भरोगे ना तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चार ऑप्शंस मिल रहे होंगे, ठीक है। चार ऑप्शंस में से पहले में आपको क्या भरना है, ग्रेजुएशन का डिटेल भरना है। इक्वल वेरिएंट में जो आपको बोल रहा है उसमें क्या है, देखो एक तो ग्रेजुएशन तो आपने करा है ना, तो उसमें ग्रेजुएशन जो आप होम साइंस से किए वही डिटेल डालोगे। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें आप सेम ऑप्शन को क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, यानी कि जो आपका वो है उसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तीसरा वाला जो ऑप्शन आपको मिल रहा होगा ना उसमें आपको बीएड की डिग्री डालनी है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, फॉर्म गलत नहीं करना है, री ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। चौथा वाला है वो कंपलसरी नहीं है, तो आपको उसको छोड़ देना है, वन टू को कॉपी सेम करना है, और थर्ड में आपको बीएड का डालना है, ठीक है। इसको करके देखिएगा, हो जाएगा समय, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी क्या हो गया, 15 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, इसके बारे में बादाम का देख ही लिया, कोलेजन किसमें होता है, अस्थियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब बाकी के जो 10 क्वेश्चन है इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कल डिस्कस करेंगे, आज हम लोग आ जाते हैं, अभी 5 मिनट आप वेट कर लीजिए। इसके साथ ही हम एनवीएस की वैकेंसी आ गई है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं आपसे, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टीचिंग का एग्जाम है, तो उसके बारे में अभी मिलते हैं 2 मिनट में आपसे, ठीक है।